सर्विस टच कराने की कोशिश करो, जो कि 120 से हल्का सा रह जाती है। तो गुड मॉर्निंग, सॉरी। तो हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम राइड कर रहे हैं 15 अगस्त से पहले पहले की, और अपना कैमरा सेट करते हैं। और आगे हमने लगा लिया फ्लैग। तो राइड स्टार्ट हो चुकी है, फ्लैग प्रॉपर उड़ रहा है। तो मैरोली से मैं अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ, ये छतरपुर की रेड लाइट CDR पे पहुँचा हूँ। बहुत ही ज़्यादा जाम आज के दिन। वैसे तो 20 मिनट्स का रास्ता ऑफिस का गुड़गांव। काफ़ी इशू आ रहा है फ्लैग के चक्कर में, फ्लैग एकदम ही आगे लगा पड़ा है ना, तो आगे का लेफ्ट जो लेफ्ट साइड है ना, वो प्रॉपर व्यू से दिख नहीं रहा। तो इसलिए फ्लैग अगर आप अपनी बाइक में लगा रहे हैं तो ऐसे लगाइए कि आपको कोई इश्यूज ना आए। अब देखते हैं फ्लैग की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आज पता नहीं किस बात का ट्रैफिक हो रहा है। एक बार ट्रैफिक से निकलता हूँ प्रॉपर, फिर आपको दिखाते हैं। और ये आ गई है रेंज रोवर, कौन सी वाली, काफ़ी पुराना ही मॉडल लग रहा है, वो 2000। ये देखो ऐसा होता है कि प्रॉपर रोड में 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ चल रहा है इंडिया में। बस आप लोग सपोर्ट करो तो ऐसे ही, क्या पता मैं भी अमीर बनूँ और मैं भी रेंज रोवर लेके घूमूं, फिर रेंज रोवर हम ब्लॉक करेंगे। आज पता नहीं इतना ट्रैफिक किस बात का हो रहा था यार। साइड तो ऑरेंज ऑरेंज आ रहा प्रॉपर वीडियो में, तो लेफ्ट तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो अगर फ्लैग बांध रहे हो ना भाई, मैं आपको दोबारा बोला कि फ्लैग ऐसे बांधो, अपनी बाइक के पीछे बांधो या अपनी बैग में लगा लो। पर अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के चलानी पड़ेगी, ताकि आप दिक्कत ना आए आपको, वरना किसी और व्हीकल को इस रोड पर आपको इस वायर की वजह से। तो ट्रैफिक रूल्स कुछ भी ना टूटे, मतलब समझ रहे हो आप, मेरे आप समझदार हो, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातें। पूरा जो ये फ्लैग है ना, मतलब प्रॉपर मेरे हेलमेट में टक 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 करने लगा पड़ा है।
फिर से रेड लाइट आ गई है। पता नहीं आज कहाँ से इतनी रेड लाइट ही आ रही है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। क्या ही नज़ारा दिखेंगे आप लोगों को दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के। वही सिंपल सी साइबर सिटी, वही सिकंदरपुर का हाई कोर्ट, वही इंटरनल टनल्स, इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बाकी देखिए क्या दिक्कत हो। यहाँ पे तो काफ़ी सारा रेत गिरा पड़ा है। रोड पे मिट्टी उड़ रही है, फ्लैग भी अपना बढ़िया तरीके से उड़ रहा है, और फिर से आगे एक और रेड लाइट। क्या करें यार, मोटो ब्लॉगिंग में ये सबसे बड़ा लफड़ा कि कुछ ऐसा नया नहीं दिखा सकता। जो रोड में चल रहा है, जो लाइव चल रहा है ना, वही आप देख सकते हो। अभी थोड़ी ना आगे अर्चनगढ़ की रेड लाइट, और ये हम फिर से रुकेंगे। रेड लाइट है 38 सेकंड की। फिर रुको, फिर झुको। ये होता भाई नंबर UP78EH0007। जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा नंबर। करेंगे भगा के, जब पता है ऑफिस ही जाना है। 5, 4, 3 तो चलो, कोई तो मिला रेस लगाने के लिए। ट्रैफिक है हर जगह मेरे भाइयों, सारा ट्रैफिक मिल गया आज तो। क्या पता लोग अपने घर जा रहे हो, होम टाउन। लगातार छुट्टी आ रही है ना, कि ट्यूसडे का इंडिपेंडेंस डे है और 14 का है आपका सोमवार, तो एक दिन का लगाएगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सिक लीव और पहुंच जाएगा कहाँ, अपने होम टाउन। फिर आएगा वो वेनसडे को। तो ऐसे होते हैं तेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, कि जहाँ मौका मिला एक सिक लीव डाली, एक कैजुअल लीव डाली और ले, और एक अन लीव, जो कि बहुत लास्ट में यूज़ करते हैं। बहुत तेज होते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, पर छुट्टी बस मिल जाए ऐसा टाइम है, सैटरडे संडे और मंडे अपना सिक लीव डालेंगे, और मंडे ट्यूसडे तो है ही, तो ये हो जाएगी इनकी प्रॉपर 4 दिन की छुट्टी। अब आ गए हैं सिकंदरपुर। एक तरफ जा रहा है राइट का फ्लाईओवर साइबर सिटी, ये फ्लाईओवर जा रहा है आगे को साइबर सिटी, और लेफ्ट वाला जा रहा है सिकंदरपुर के कोर्ट में। तो हमको जाना है सिकंदरपुर के कोर्ट में।
हो रही है, कट गया रास्ता ऊपर नीचे। ये भी एक रास्ता जो लेफ़्ट साइड को दिख रही है ना आपको, ये भी एक रास्ता है। और सामने पहुंच जाएंगे हम अपने ऑफिस। जय जवान जय किसान, फिर मिलेंगे। सेक्टर 53-54 में ऑफिस है मेरा, बस पहुंचने वाले हैं। वीडियो को रोकेंगे और देखते हैं ऑफिस में क्या मिलता है आज देखने को नया। और यहाँ पे इस लेन पे भाई ट्रक तो अलाउड नहीं है। जब से सबसे मस्त लगता है मेरे को गुड़गांव का ये वाला पार्ट, मतलब पूरा अंडरपास है, काफ़ी लंबा 2-3 किलोमीटर हो गए। और जो बाइक चलती है ना भाई यहाँ पे, आज पता नहीं भाई मेरे को यहाँ पर ट्रैफिक दिख रहा है जो कि आज तक कभी नहीं दिखा। ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक बने खाली रहती है, और रात के टाइम तक प्रॉपर खाली रहती है यार। मतलब रात को मैं एकदम इसमें 120 टच कराने की कोशिश करता हूँ, जो कि 120 से हल्का सा रह जाती है। टनल हो गई है ख़त्म, पहुंच गए हम सेक्टर 42-43 गुड़गांव। और यहां से होंगे लेफ्ट, फिर होंगे हल्का सा राइट गोल चक्कर से, और यहाँ पर फिर से दोबारा ट्रैफिक। प्रॉपर वीडियो में ट्रैफिक ही होगा मेरे ख्याल से लग रहा, और कुछ तो है ही नहीं इस वीडियो में। पुलिस वाले अंकल आज खड़े हैं। अच्छा है अपने पास लाइसेंस वाइसेंस सब है, RC पॉल्यूशन, ये तो अपना भी कटेगा एक दिन चलान।